हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AS08 स्पोर्ट्स। गाइस, इस वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के डुरान कप का प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, ISL के कुछ क्लब जैसे ईस्ट बंगाल FC, मोहन बागान सुपर जाइंट, FC गोवा, इन लोगों ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि जो 3 अगस्त से डुरान कप शुरू होगा, इस डुरान कप पर उन टीम का सीनियर प्लेयर भी खेलेंगे। यहां पे एक सवाल आता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का जो सीनियर प्लेयर है, उन लोग डुरान कप में खेलेगा या नहीं, या जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रिजर्व टीम का प्लेयर है, उन लोग डुरान कप में खेलेंगे। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने बोरोलैंड FC के साथ एक फ्रेंडली मैच खेला था, जिसमें जो हमारा सीनियर प्लेयर था, इससे ज़्यादा हम नॉर्थ ईस्ट का रिजर्व प्लेयर खेल रहा था। लेकिन गाइस, एक स्पोर्ट सोर्सेस से ये खबर आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का जो रिजर्व प्लेयर है, रिजर्व टीम, वो डुरान कप में नहीं खेलेगा, और जो हमारा सीनियर ISL का जो टीम है, वो डुरान कप में खेलेगा। यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते हैं कि फॉरेनर प्लेयर खेलेगा या नहीं, कौन कौन सा प्लेयर खेलेगा, प्लेइंग 11 में कौन कौन सा प्लेयर को चांस मिलेगा। ऐसे सवाल को दूर करने के लिए आज हम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का 2 प्लेइंग 11 लेकर आया हूँ। आइए पहला प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। गाइस, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के पास तीन गोलकीपर है, मिर्शाद मिर्चू है, खोयरम सिंह है और निखिल डका भी है। इसमें हम मिर्शाद मिर्चू को ऐड करेंगे। गाइस, सेंटर बैक की बात किया जाए तो सेंटर बैक में माइकल जेबाको है। माइकल जेबाको बहुत दिन पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC में आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए माइकल जेबाको खेलने का पूरा चांस है। इसके बाद और एक सेंटर बैक में है गौरव बड़ा है, जस्टिन जॉर्ज है। गौरव बड़ा भी अच्छा प्लेयर है, जस्टिन जॉर्ज भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन गौरव बड़ा को मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि गौरव बड़ा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए पिछले सीजन भी खेला है, इसलिए गौरव बड़ा के पास एक्सपीरियंस है, इसलिए हम गौरव बड़ा को रखेंगे यहाँ पे सेंटर बैक पर। राइट बैक में जो जहारलियाना और लेफ्ट बैक में हीरा मंडल के बाद यहाँ पे बुआनथांगलुंग सामते भी है, लेकिन हम हीरा मंडल को यहाँ पे ऐड करेंगे। मिडफील्ड में हम रोमेन फिलिपितियो, प्रज्ञान गोगोई और रुचार जेला को रखेंगे। डिफेंसिव मिडफील्ड में प्रज्ञान गोगोई, राइट मिडफील्ड में रोमेन फिलिपितियो और लेफ्ट मिडफील्ड में रुचार जेला। फॉरवर्ड में हम रखेंगे पार्थिव गोगोई, नेस्टर एल्बियास और रीडिंग क्लांगो। राइट विंग में रीडिंग क्लांग, स्ट्राइकर पोजिशन में नेस्टर एल्बियास और लेफ्ट विंग में पार्थिव गोगोई। गाइस, नेस्टर एल्बियास डुरान कप में खेलेगा या नहीं, इसका कोई अपडेट नहीं है, लेकिन नेस्टर एल्बियास डुरान कप में खेलने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि नेस्टर एल्बियास हाल ही में गुवाहाटी पहुंचा है, इसलिए मैं और एक फॉर्मेशन बनाया है। दोनों फॉर्मेशन लगभग सेम ही है, लेकिन जो फॉरवर्ड लाइन है, इसमें चेंज है। गाइस, इस फॉर्मेशन पर हम लेफ्ट मिडफील्ड एमिल बेनिंग को हम रखेंगे, राइट विंग पर रीडिंग क्लांग, सेंटर फॉरवर्ड जो स्ट्राइकर है, इसमें पार्थिव गोगोई और लेफ्ट विंग पर रुचार जेला। ये सिर्फ मेरा फॉर्मेशन है, आप लोग कौन कौन प्लेयर को प्लेइंग 11 में रखेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो पर एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही है। जय आई असम, वंदे मातरम।